हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के 13.3 की सेकंड क्लास है आज, ठीक है। और आपको मैंने इसमें बताया था, इसमें कन्वर्जन करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। चलो देखो जरा। तो इसमें कह रहा है कि एक कुआं है जो 3 मीटर उसका डायमीटर है और 14 मीटर गहरा है, ऐसा। तीन मीटर उसका डायमीटर है और 14 मीटर गहरा है। अब कह रहा है इसके चारों तरफ इसमें से मिट्टी निकाली गई, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट इट्स सेपरेट इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ द विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट, यानी इसके चारों तरफ ना बच्चों एक चबूतरा बनाया गया। इसके चारों तरफ क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया, एक चारों तरफ चबूतरा बनाया गया, बना दिया जी चबूतरा। और वो चबूतरा ना इससे और 4 मीटर चौड़ा था, और 4 मीटर चौड़ा था, ठीक है जी। यानी कि अब जैसे अगर कुएं की रेडियस की बात करें तो वह है 3/2, और अगर इसकी रेडियस की बात करें तो 4 और 3 7, तो ये हो गया ना, ये पूरा कितना हो गया, तो सॉरी 3 तो पूरा था, यानी कि 3/2 और 4, तो बच्चों 4 और 1/2 कितना होता है, 5.5, और 5.5 होता है 11/2, इतना हो गया, ठीक है। तो कह रहा बताओ फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है। चलो भाई, तो अब ये देखना है, यानी जितनी इसमें से मिट्टी निकाली गई है उतने का ही चबूतरा बना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम है फिक्स। जितनी इसमें से मिट्टी निकाली गई उसी का चबूतरा बना है, तो वॉल्यूम तो है फिक्स। तो चलो काम करते हैं। सबसे पहले डायामीटर ऑफ वेल, डायामीटर ऑफ वेल कुएं का व्यास, रेडियस ऑफ वेल 3/2 मीटर, कुएं की त्रिज्या, ठीक है। अच्छा नाउ रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 तो है ही और प्लस 4 भी हो गया, तो इतना, इसका मतलब 11/2 मीटर, ठीक है, चबूतरे की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या है, नाउ हाइट ऑफ, डेप्थ ऑफ वेल, कुएं की गहराई 14 मीटर, कुएं की गहराई, ठीक है, कुएं की गहराई 14 मीटर, ठीक है जी, कुएं की गहराई होगी 14 मीटर। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, चूंकि ये इतनी हो गई, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय डिगिंग वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट सॉइल, सॉइल, ठीक है जी। कुएं को, कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन, आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन, तो कितना हो जाएगा भाई, कैसे निकलेगा, देखो जरा कैसे निकलेगा भाई। अगर मैं बात करूं ये
सॉरी 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 बच्चों, एक गड़बड़ होगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये निकलेगा रेडियस ऑफ वेल एंड एम्बैकमेंट, वेल एंड एम्बैकमेंट। ठीक है, चबूतरे और कुएं की त्रिज्या। ये दोनों की मिला के है त्रिज्या, कुएं की भी और उसकी मिला के। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो भाई ये तो अगर हम सिर्फ कुएं की बात करें तो भाई पाई आर वन यानी आर का स्क्वायर और ये एच बढ़ाएगा, और यहां पे लेंगे हम पाई, ठीक है, एच लेंगे छोटा क्योंकि एम्बैकमेंट की है। लेकिन बच्चों एक समस्या है, क्या देखो ना कि यहां से लेके यहां तक की रेडियस यानी कि बड़ा आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी इसको छोटा आर मान लोगे और इसको आप मान लोगे बड़ा आर। ठीक है, तो इस बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, अब सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि देखो ना भाई एम्बैकमेंट तो यहां से लेके यहीं तक है ना, मतलब 4 मीटर तक ही है ना, तो ये वाला तो बिना फालतू में गिना जा रहा है क्योंकि एम्बैकमेंट कुएं के अंदर थोड़ी है, एम्बैकमेंट कुएं के बाहर है, तो इतना हिस्सा तो एम्बैकमेंट वाला होगा लेकिन इतना हिस्सा एम्बैकमेंट वाला चबूतरे वाला नहीं होगा। इस वजह से इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस आर छोटा वाला आर 3/2, 3/2 एच 14, एच नहीं पता, बड़े आर का स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, काट देंगे 7, 3 3 9 × 7/2 एच 121/4, 9/4, 9 × 7/2 बराबर एच गुने में 4, 121 में से 9 गए तो 112। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा भाई, 7 से कटेगा, 7 × 7 6 बारी में, 4 से कट जाएगा 4, अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे इधर आके डिवाइड, 9 2 और ये 4 इधर, तो यहाँ भाई 9/8, और 9/8 क्या होता है 1. ठीक है 1.125 इतने मीटर, तो भाई एम्बैकमेंट की हाइट आ जाएगी 1.125 मीटर। ठीक है, नोट करो। पांचवा क्वेश्चन, लो भाई चलो देखो ये क्वेश्चन पता ना कौन सा है, फोर्थ है, और अब जो करा रहा हूँ वो फिफ्थ है। ठीक है भाई, आपके पास एक ना सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका डायामीटर 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, और ये पूरी तरीके से आइसक्रीम से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है, और हमारे पास आइसक्रीम के कोन है, हमारे पास क्या है, आइसक्रीम के कोन है जिसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जब आइसक्रीम को इससे पूरा भर दिया जाता है, आइसक्रीम को इससे क्या कर दिया जाता है, पूरा भर दिया जाता है, और भरने के बाद इतने ही बड़े का एक हेमीस्फेयर भी इस पे रखा जाता है, इतने ही बड़े रेडियस का या डायमीटर का उसके ऊपर क्या रखा जाता है, एक हेमीस्फेयर आइसक्रीम से रखा जाता है। तो बताओ ऐसे कितने आइसक्रीम के कोन हम बना सकते हैं इसके थ्रू। तो भाई यहां पे भी देख लो क्या होगा, ये वॉल्यूम ज्यादा है ये वॉल्यूम कम है, तो हमें इसका निकालना है कि कितने ऐसे हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो ना, देखो वॉल्यूम अब तक फिक्स कर रहे, पता
पढ़ रहे थे हम। लेकिन जब भी एक का वॉल्यूम ज्यादा हो एक का वॉल्यूम कम हो, तो पता क्या करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम वाले को कम वॉल्यूम वाले से डिवाइड करते हैं। तो बस सिंपल, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर तो कितना, 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, डायामीटर ऑफ कोन, अब ये भी ले लो भाई, ऑफ कोन कितना भाई, 6 सेंटीमीटर, यहां था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ठीक है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर 15 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की गहराई 15 सेंटीमीटर। अगला, हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ कोन तो कितना, 12 सेंटीमीटर। शंकु की गहराई ये, और इसमें रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर ये डालना, 3 सेंटीमीटर यहाँ भी एंड हेमिस्फेयर, ठीक है। शंकु ये अर्ध गोले, अर्ध गोले और शंकु का व्यास, अर्ध गोले और शंकु की त्रिज्या, ठीक है। चलो नाउ, अब क्या है, हाँ जी, अब क्या है, वॉल्यूम, सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स शंकु की संख्या, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो कितना भाई, पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, पाई 1/3, ठीक है, कॉन्स प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो तो जो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दो, बड़ा आर, बड़ा आर कितना है, 6 का स्क्वायर, बड़ा एच 15 भाई, पाई 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच और आ जाएगा 2 आर क्यूब, ठीक है, ये बचेगा, पाई से पाई तो कट गया, 1/3 ऊपर चला जाएगा खिसक के, 3 × 6 का स्क्वायर 36 × 15, आर का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, एच कितना है 12 और ये 3 का क्यूब, तो 3 × 36 × 15, 3 का स्क्वायर 9 × 12, 2 × 3 = 27, 3 × 36 × 15, 12 × 108 प्लस 27 × 54, तो 3 × 36 × 15 और ये 108 और 54 कितने होंगे, 54 और 8, 162, ठीक है, 54 और 8 कितने होंगे, 162, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, फिर कितने, 9 से काटो, 9 छक्के 9 चौके, फिर 3 से काटो, 2 से काटो, 2 और ये 2 × 5, 5 × 2 = 10, तो बच्चों 10 कोण भरे जाएंगे, कितने कोण भरे जाएंगे, 10 कोण भरे जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको।
आपको भाई सातवां क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है? बस बाकी मैं छठा और करा रहा हूँ आपको, ठीक है? सातवां क्वेश्चन आपको खुद करना है, फिक्स वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है? बाकी अगली क्लास में फिर ये खत्म करा दूंगा और फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर करेंगे शुरू। चलो लास्ट देख लो, ठीक है? फिर खत्म करते हैं इसे। इसमें भी पानी फ्लो वाला है, वो मत करना, वो मैं कराऊंगा खुद ही, ठीक है? फिर वो खत्म करा के फ्रस्टम शुरू कराऊंगा, 13.4, वो भी आसान ही है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है उसमें कुछ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक सिल्वर चांदी का सिक्का है, क्वेश्चन नंबर 6, एक चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है जिसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, हाइट है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है? वैसे तो 2 mm दे रखा है और 2 mm को 0.2 सेंटीमीटर लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब कह रहा है कि एक क्यूबॉइड को, मतलब एक क्यूबॉइड है सिल्वर का, उसको मेल्ट करके बनाया हमने, और जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड जो है ये भी सिल्वर का ही है, ठीक है? इसको मेल्ट करके बनाया गया है, तो जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी, लेंथ तो दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा बताओ इसको मेल्ट करने के बाद कितने सिक्के बन जाएंगे, तो बस इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम कम। तो मैंने क्या बताया, ज्यादा वॉल्यूम वाले को कम वॉल्यूम वाले से डिवाइड कर देते हैं, बस खत्म कहानी। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड तो 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की लंबाई, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई, ठीक है? अगला क्या है, डायमीटर ऑफ कॉइन 1.75 सेंटीमीटर, सिक्के का व्यास, ये अगला रेडियस ऑफ कॉइन, सिक्के की त्रिज्या, सिक्के की त्रिज्या इतनी आ गई। अगला हाइट ऑफ कॉइन, हाइट ऑफ कॉइन ये छोटा एच होगा, याद रखना 0. वैसे तो 2 mm है लेकिन 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है? सिक्के की ऊंचाई, नाउ तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, तो क्या होगी भाई सिक्कों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है? घनाभ का आयतन, बटे में सिक्के का आयतन, ठीक है? तो क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, इसका पाई, एच बड़ा लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? एल कितना है 5.5, ये कितना है 10, ये कितना है 35, हाँ जी। अब क्या करना है, पाई, पाई कितना लेना है इसमें, एक मिनट देखो जरा, पॉइंट से 22/7 ही लेना है सर, बाईस बटा सात, आर की वैल्यू 1.75/2, 1.75/2,
और एच कितना है 0.2। चलो भाई जो कटे काटो जो नहीं कटे छोड़ो, जो पहले पलट रहा है पलट दो उसको, ठीक है जो पहले पलट रहा है पलट दो उसको, और जो कट रहा है काटो। 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर 7 पंजे 35, तो 0, तो 0.25, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 11, 2 से ये कट जाएगा 0.1, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 5.5 × 10 × 3.5, ये कट के आ गया कितना 0.25, ठीक है। और ये आ गया 1.75, ये आ गया 0.1। पहले सारे पॉइंट हटाओ, सारे पॉइंट हटाओ, तो 55/10 गुने 10, 35/10, यहाँ से 25/100, 175/100, 1/10, 10 से 10 कट गया, तो आ जाएगा 55 × 35/10, और ये आ जाएगा 25 × 175 × 1/100 और गुना सौ गुना ये, तो यानी 2 0 2 0 1 0, ठीक है। अब इसको पलट लो, तो 55 × 35/10 ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 2 0 2 0 1 0, और ये आएगा 25 × 175, 1 0 से 1 0 कट गया, काटना शुरू करो। हाँ भाई, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 7, 7 से काटोगे इसको 7 दूनी 14 और 7 पंजे, ठीक है। तो और फिर 25 से इसको काट दो, 25 के 100, 0 0, ठीक है। कितने सिक्के आ रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो गई, 400 आना चाहिए आंसर। फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक लगा है, सब कुछ सही है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हुआ है, ये 11 भी तो रह रहा है, ये 11 भी तो रह रहा है भाई, ये भी तो रह रहा है, ठीक है। ये रह रहा है 11, 11, 11 से 11 कट गया, बचा कितना 400, तो इतने कॉइन्स, ठीक है, इतने कॉइन्स, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये खत्म, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 11 जो था ना, ये मैंने लिखना भूल गया था, तो ये हर जगह मैंने ये 11 लगा दिया, अब 11 कट गया ये, ठीक है। चलिए बाय, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।